अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के पास बीदर कैमल फार्म में सुबह सुबह का वक्त है। एक दो जानवरों को खाने के लिए थोड़ा बहुत मिल गया है, पर ये सब बहुत भूखे हैं। सबकी निगाहें बाड़े की दीवार पर हो रही हलचल के साथ साथ ताज़ी काटी गई घास, पत्तियों और टहनियों पर टिकी हैं। ये इनके खाने के साथ साथ इनकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। इस रेतीली ज़मीन पर इनके चरने के लिए कुछ भी नहीं है। इस फार्म के मैनेजर हैं हसन अब्दी रहमान सबरिये। अमूमन इतना बड़ा झुंड इससे बड़ी जगह में रहता है, पर यहाँ जगह सीमित है। जब आप ऊँटों को शहर लाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इन जानवरों को छोटी जगह में रहना सिखाना पड़ता है, इसके लिए बहुत अनुभव और धैर्य चाहिए। दूसरी बड़ी चुनौती शहर में ऊँटों के लिए खाना ढूंढना होता है। ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि उन्हें वो सब मिले जो उन्हें रेगिस्तान में मिलता था। आखिरकार दरवाजे खुल गए। यहाँ बाड़े में सबकी ज़रूरत से भी ज़्यादा खाना है। ऊँट सदियों से यहाँ खुले में चरते आए हैं, लेकिन ये झुंड जब खुले में खाना खोजने निकलता था तब हमेशा उसे इतना खाने को नहीं मिलता था। ये ऊँट आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहते थे। वहाँ सूखा पड़ने पर इनके चरने को कुछ नहीं बचा, फिर बारिश भी कम हो गई, इसलिए इन जानवरों को शहर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोमालिया जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले देशों में से है। लगातार पड़ते सूखे की वजह से पारंपरिक चारागाह खत्म हो रही हैं, वनस्पतियां खत्म हो रही हैं और जलाशय सूख रहे हैं। यहां तक कि बहुत कम खाने और पानी में गुजारा करने में सक्षम ऊँट भी अब भूख और प्यास से मर रहे हैं। हुसैन और बाकी चरवाहे भी दिन ब दिन और निराश हो रहे हैं। उनका झुंड लगातार घट रहा है। पूर्वी सोमालिया के निचले शबेल इलाके में उनके ऊँटों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है। हम चरवाहे अक्सर ये बात करते हैं कि अपने ऊँटों को यहाँ से दूर कैसे ले जाएं और कैसे नई चरागाह खोजी जाए, क्योंकि यहाँ लंबे वक्त से बारिश नहीं हुई है, हर जगह सूखा पड़ा है। अगर हालात और ख़राब हुए तो हम ऊँटों को कुछ नहीं खिला पाएंगे, हमें इन्हें छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। सोमालिया में बहुत से लोग जलवायु परिवर्तन के असर से बचने के लिए राजधानी का रुख कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में मोगादिशु की आबादी करीब 24 लाख यानी दोगुनी हो गई है। इस बढ़ते हुए बाजार में हसन अब्दी रहमान को एक मौका नजर आया। अपने ऊँटों को शहर लाने का एक और मकसद मोगादिशु और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को ताज़ा दूध मुहैया कराना है। पहले लोगों को ये दूध लेने गांवों में जाना पड़ता था, अब हम यहीं से ताज़ा दूध आसपास के लोगों तक पहुंचा देते हैं। बीदर कैमल फार्म में रोजाना दूध निकाला जाता है। ऊँट के बच्चों के लिए ये बहुत बुरा है, लेकिन व्यापार यहाँ प्राथमिकता है। हम ऊँटनी का एक लीटर दूध $2 में बेचते हैं। आमतौर पर रोजाना यहाँ पर हम 900 से 1000 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। मांग अगर ज्यादा हो तो हम ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से अपना उत्पादन बढ़ा देते हैं। ताजे दूध को तुरंत लादकर शहर ले जाया जाता है। रेस्तरां और होटल अहम ग्राहक हैं। ऊँट का दूध बहुत पौष्टिक और विटामिन भरा होता है, यही वजह है कि सोमालिया के बाहर भी इसकी खूब मांग है। व्यापार बढ़ने की वजह से बीदर कैमल फार्म अपने जानवरों के लिए अच्छा चारा खरीद पा रहा है। सूखे की वजह से खाने का जो संकट पैदा हुआ है उससे निपटने का ये अच्छा तरीका है। ऊँटों को शहरों में लाना फायदे का सौदा साबित हुआ है, हालांकि सबके लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में हुसैन इब्राहिम ज्यादा खाने और पानी की तलाश में अपने ऊँटों को लेकर किसी और जगह जाने की योजना बना रहे हैं।